हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ ऑक्सीटोसिन। इन टुडेज वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, बट आई वांट टू अवेयर यू अबाउट वन थिंग दैट कॉमनली एवरी स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट मेक्स इन सीइंग ऑल द वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो बिफोर सीइंग एनी वीडियो लेक्चर ऑन यूट्यूब, चाहे वो हमारा ऑक्सीटोसिन का हो या फिर एनी ऑफ द वीडियो लेक्चर्स, द थिंग्स दैट यू माइट मेक इन योर माइंड इज दैट कि अगर कोई भी टीचर या लेक्चरर आपको पढ़ा रहा है कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक, देन यू मस्ट क्लोज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज ऑल योर रिसोर्सेज एंड ओनली सी द नोट्स विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय हिम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, रेदर देन आप अपनी बुक्स में भी देख रहे हो, उनको भी उनकी नोट्स में भी देख रहे हो। इंस्टेड आप सिर्फ अपनी क्लोज सिर्फ फ़ोन अपना रखो एंड द सोर्स विच एवर सोर्स यू आर यूजिंग टू सी द लेक्चर। तो ये मेक श्योर करना कोई भी वीडियो लेक्चर देखे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज और ऑल योर नोटबुक्स एंड बुक्स बिफोर सीइंग एनी ऑफ आवर वीडियो, नॉट माई एनी ऑफ आवर, ओके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप कोई भी लेक्चर देखो तो उसमें देख लो कि कौन से टॉपिक आप चाहते हो पढ़ना वो अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं। इसीलिए इन आवर यूट्यूब चैनल यू इन द थंबनेल आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होगा कि विच आर टॉपिक्स एक्चुअली कवर्ड इन टूडेज वीडियो और दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो आप देख लो कि आप जो कॉन्टेंट देखना चाहते हो क्या वो कॉन्टेंट अवेलेबल है वीडियो में, तो ही अपना टाइम उस वीडियो में इन्वेस्ट करना। देन कोई चांस बनता नहीं है कि आप अपना टाइम उस वीडियो में इन्वेस्ट करें अगर आपको खुद आपको जो चाहिए कंटेंट वो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वॉच कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एंड देन मेक्स ओन नोट्स बाय एनोटिंग। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि जो नोट्स उन्होंने बनाए हैं आपने जो भी लेक्चर से देखे हैं वो आपको डिट्टो आप ऐसे छाप नहीं देने हैं, आपको क्या थोड़ा एनोट करना है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप एक वीडियो देखें तो उसमें से आप क्वेश्चंस निकालना शुरू कर दो। मतलब क्या कि हमारे हमारे वीडियोस में आपको क्लिनिकल केसेस एज वेल एज सब क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपको क्या करना है कि एक बार वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया ना तो उसके बाद आपको पॉज करके वीडियो को रिटेन मतलब रिवाइज करना है अपने माइंड में जितना भी रिवाइज हो, फिर उसके बाद वीडियो को फिर से 1x या 2x की स्पीड पे देख के आपको नोट्स बनाने हैं, फास्ट नोट्स बनाने। इससे क्या होगा, आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया होगा और थोड़े थोड़े नोट्स एनोट करना। तो मेरा पर्पस ही सिर्फ इस वीडियो बनाने का एक ही है कि कोई भी आप वीडियो देखो, रेदर अवर और एनी, सिर्फ ये तीन चीज़ें अपने दिमाग में याद रखना। दिस वीडियो सब सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, इधर यू आर स्टडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, एनी फार्माकोलॉजी, एनी सब्जेक्ट्स ऑफ MBBS और एनी टॉपिक, आपको ये तीन चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। और जब भी आप ये टॉपिक ख़त्म कर दो ना तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको रिटेन करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो सेट द रिवीजन डेट। पर्टिकुलरली मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा रिवीजन के लिए कि अगर मान लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या करो कि एक सिंपल वे है इन्फॉर्मेशन्स को रिटेन करने के लिए, वो है वन रूल और यू कैन से द ट्रिक दैट कि अगर कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है ना उसको आप अगर 24 आवर में एक बार और रिवाइज करना है आपको। सेकेंड, फ्रॉम द डेट यू हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर, रिवाइज आफ्टर 24 आवर, रिवाइज देन आफ्टर 1 week, रिवाइज आफ्टर 15 days एंड रिवाइज आफ्टर 1 month। इन दिस वे यू कैन रिटेन द मोर थिंग्स इन अ वेरी स्मार्ट वे। तो एग्ज़ाम से पहले आपका बहुत कुछ अच्छा तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत कुछ देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर से देख लोगे तो भी आपकी मेमोरी रिटेन कर पाएंगी। तो इन दिस शॉर्ट वीडियो आई ओनली मेक यू अवेयर दैट हाउ टू सी द लेक्चर्स, बिकॉज सिर्फ लेक्चर देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको रिटेन भी करना पड़ता है ना, जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वीडियोस देखने के लिए तो उसका कुछ रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मेक यू अवेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।